स्टूडेंट्स वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर अब आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से होंगे जो कि स्पेसिफिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से होंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन एल्डो इन में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एल्डोटेट्रोज है आप जानते हैं कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें कि दो कैटेगरी होती है एक एल्डिहाइड टाइप और एक हमारे कीटोन टाइप एल्डिहाइड टाइप पे भी फिर एल्डोटेट्रोज एल्डोट्रायोज पेंटोज इस तरीके से होते हैं तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एक एल्डो टेट्रोज़ है यानी एल्डिहाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है वो और उसमें चार कार्बन्स हैं यानी कि एल्डो टेट्रोज़ इनमें से कौन सा है तो ऑप्शंस हैं डी एरीथरोज डी थ्रीओज बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन सही हैं या फिर डी एरिथ्रोलोज तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है तो इसका ऑप्शन है हमारा सी बोथ ए एन बी यानी डी एरेथरोज और डी थ्रियोज दोनों ही ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जो कि एल्डो टेट्रोज हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दी बिलो शुगर इज़ नोन एज इनवर्ट शुगर इनमें से किस शुगर को हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं ऑप्शंस हैं आपके मैनोज गैलेक्टोज़ सुक्रोज या फिर ग्लूकोज इनमें से किस शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग शुगर इज अ डाई मेड अप ऑफ डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज यूनिट इनमें से कौन सी शुगर है जो कि एक डाई है और वो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनी हुई है ऑप्शन हैं सुक्रोज लेक्टोज मैनोज एंड गैलेक्टोज तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी लेक्टोज़ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर फोर द केमिकल फॉर्मूला फॉर स्टार्च इज स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों पहला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स देन सी सिक्स एच टेन ओ फाइव का होल एन देन सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन या फिर सी सिक्स एच टेन ओ फाइव क्या इसका ऑप्शन सही होगा तो केमिकल फॉर्मूला होता है स्टार्च का ऑप्शन नंबर बी सी सिक्स एच टेन ओ फाइव का होल एन ये हमारा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है इनमें से किसके अमाइलोज यूनिट ऑफ स्टार्च यानि स्टार्च की अमाइलोज यूनिट के अमाइलोपैक्टिन यूनिट ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च की अमाइलोपैक्टिन यूनिट के सिमिलर होता है या फिर ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है या फिर काइटिन के सिमिलर होता है इनमें से किसके सिमिलर होता है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर आप सोच बताइए तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी अमाइलोपैक्टिन यूनिट ऑफ स्टार्च तो जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपैक्टिन यूनिट जैसा होता है स्टार्च की नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माल्टोज शुगर माल्टोज शुगर के बारे में कौन सी बात इनमें से बिल्कुल सही है सच है तो पहला ऑप्शन है इट इज़ प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स ये जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है इन इट सी वन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ लिंक्ड विद सी फोर ऑफ़ अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें जो हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन जुड़ा होता है आपस में और ये एक डाई है यानी एक ऐसा मोनोसेकराइड है एक ऐसा हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिल बना हुआ है तो या फिर सभी इसमें सही हैं तो, तो क्या ऑप्शन होगा इसका तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है ऑल आर्ट्रो यानी सारे ऑप्शन सही हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स इनमें से किस टाइप के आइसोमर होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कन्फिगोरेशनल आइसोमर्स कंजर्वेशनल आइसोमर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स इनमें से किस टाइप के आइसोमर होते हैं तो बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल ठीक है कन्फिगोरेशनल आइसोमर जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स होते हैं क्वेश्चन नंबर एट आता है इन दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड एन स्टैंड्स फॉर जब भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होते हैं कि कितने होंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टू की पावर एन तो टू टू दी पावर एन यानी टू की पावर एन फॉर्मूला होता है तो उसमें एन का क्या मतलब होता है ऑप्शन है हमारे पास चार नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दी कायरल एटम यानी एन का मतलब है जितने एटम्स कायरल कार्बन से अटैच है दूसरा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने कायरल कार्बन हैं का मतलब ये है या फिर कितने कार्बन हैं उस मॉलिक्यूल में N का मतलब ये है या फिर कितने हाइड्रोजन अटैच है कायरल कार्बन से इसका मतलब ये है तो इनमें से किसका मतलब है एन यानी एन से क्या मतलब है उस फॉर्मूला में तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों इसका आंसर होगा नंबर ऑफ कायरल आइटम यानी कि कायरल कार्बन्स यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है विच अमंग फॉलोइंग इज़ अ मोनोसेकेराइड इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है ऑप्शन हैं आपके फ्रुक्टोज गैलेक्टोज़ माल्टोज या नन ऑफ दी अबव इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा मोनोसेकेराइड है ये आप सोचिए तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज हमारा एक मोनोसेकेराइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का इन सुक्रोज द डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज यूनिट्स आर लिंक टुगेदर विद सुक्रोज में जो हमारा एक डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज की यूनिट होती है वो एक साथ किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है ऑप्शन नंबर ए शुगर बॉन्ड देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से कौन सा बॉन्ड होता है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज के बीच में सुक्रोज में तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी दो शुगर एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बच्चों तो इस तरीके से कुछ एम थे हमारे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के कार्बोहाइड्रेट से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपली वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें